So now students, जिस तरह टेलीनॉर ने भी अपनी एक पेमेंट गेटवे की सर्विस प्रोवाइड की इजी पैसा, अब हमें ये पता है कि आजकल कंपटीशन का दौर है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने एक सर्विस लॉन्च की तो जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो कुछ उसके पैरेलल में ऑफर ना करें। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इजी पैसा टेलीनॉर स्पॉन्सर्ड है, एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, मोबाइल लिंक का जो स्पॉन्सर्ड गेटवे है उसका नाम जैज कैश है। इसका काम जो बेसिकली वही है कि मेरे पास एक शॉपिंग कार्ट है, मैं अपने ई कॉमर्स स्टोर में जैज कैश को भी यूज़ कर सकता हूँ जिस तरह मैंने पहले इजी पैसा को यूज़ किया था। इसको यूज़ करने का जो यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं जैज कैश को यूज़ करूँगा वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होगा। मतलब ये है कि आप जैज कैश का फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल लिंक का नंबर है या अब वॉलेट का नंबर है तो आप फ़ोन के ज़रिए भी जैज कैश की जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फिजिकली ट्रैवल। तो हम ये सर्विस को डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग सिर्फ ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो इनकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सर्विस है उसको हम यानी जो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट वही है, हमारा पर्सपेक्टिव वही है। तो इजी पैसा की तरह जैज कैश भी बेसिकली एक हमारा एक पेमेंट गेटवे है। ऑब्वियसली ये हमारा लोकल जो और टेलको है मोबाइल लिंक उनका बैकअप किया हुआ है, काम ये वही करता है जो इजी पैसा करता था। मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल एक वेंडर हूँ, मैं जाके अकाउंट परचेज करूँगा और जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर जहाँ और जैसे पहले मैंने ये देखा था कि जी इजी पैसा की सर्विस अवेलेबल है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास हम ये अभी देखेंगे आगे जाके जैज कैश के थ्रू मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इससे मुराद ये है कि जहाँ मेरे पास सिर्फ पहले इजी पैसा था अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट के लिए वाया क्रेडिट कार्ड और वैलिड डेबिट कार्ड, अब उसके पैरेलल में मेरे पास एक और सर्विस आ गई जो मुझे वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है जो मुझे इजी पैसा कर रही थी। मतलब मैं वेबसाइट पर जाऊंगा, वेंडर जो भी वेंडर होगा उसने अपना अकाउंट ओपन किया होगा और उसके जो अकाउंट है उस यानी उस अकाउंट में मैं अगर कोई चीज़ परचेज करता हूँ ऑनलाइन और मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो मेरे जो पैसे हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होके वेंडर के अकाउंट में आ जाएंगे। इससे मुराद ये है कि आप कोर में एक आइडिया समझ लें कि जब भी आप कोई सर्विस यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे यानी जो चीज़ आपकी ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस को ड्राइव कर रही होती है ना वो आपका बैंक अकाउंट होता है। मतलब हर सर्विस के साथ आपका एक बैंक अकाउंट आपका अटैच होता है। तो जो वेंडर है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट हुए और वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से मुराद ही होती है कि जो वेंडर ने जैज कैश के साथ अपना जो भी बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएट किया हुआ है उस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वेंडर को कहीं जाना भी नहीं पड़ता और मुझे एज अ कस्टमर भी नहीं कहीं जाना पड़ता और ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाती है। अदरवाइज अगर जैज कैश की दूसरी सर्विस देखें यानी अगर आप जैज शॉप पे जाएं एसएमएस के जरिए ट्रांसफ़र करें तो वो आपको फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन वो क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव में नहीं है। जस्ट सिंपल ये सोचें, वेंडर एक बैंक अकाउंट अटैच करेगा जैज कैश के साथ और अपनी ऑनलाइन शॉप में इंटीग्रेट कर देगा जैज कैश को और मैं एज अ एंड यूज़र जब भी शॉपिंग करूँगा तो मेरे पास इजी पैसा के अलावा जैज कैश की भी एक सर्विस अवेलेबल हो जाएगी जो मेरे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को अनेबल कर देगी।